जाती है, शंका तुरंत आ गई, किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है, हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई, जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहां पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में, तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सरी एक बार कि इतने मर गए इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को, बोलो जम के बोलो, थे ना, कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों, कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई, महाराज उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना, यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना, पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेंद्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही, इसीलिए जीजियों रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोक कर, कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छीटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे किसी को बुरा लगे, हमने कहा सनातनी होगा तो काहे का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा, ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं, बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था, उसका विचार नहीं करना हमको, कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने, रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोचकर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है, एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं, इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरेगा। और आज भी कमी नहीं रखी, आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं, इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को, इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ, जम जम के उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो कांच फोड़ो, आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई, हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं, तो हमको ये अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगता होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी, केवल बस
चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे कहे आग लगे बस्ती में, और आपसे भी निवेदन करूंगा कोई भड़का है, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निशुल्क है, मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम यजमान बने, पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर यजमान बने। भगवान इतना पूर देता है कि यजमान पद फिर खड़ा हो जाता है। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से।